आप सभी लोग गुड आफ्टरनून, कैसे आप सभी लोग? बेस्ट हैं, क्या बात है। चलो बहुत अच्छा है, आज आज लास्ट डे है तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज आखिरी दिन में, और कुछ बातें आप लोगों के साथ में, आज फेयरवेल है, पर उससे पहले एक छोटा ताली अपने लोगों के लिए। आप टीम को साथ में बुलाना चाहूंगा, मिलन सर जोरदार ताली बजाइए। ओके, तो स्टूडेंट अभी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ। भैया आखिरी दिन आज फेयरवेल, आप आए थे 27 तारीख को, आपने पहले काउंसलिंग अटेंड की, उसके बाद आइए सर, आइए तो हमारे सर के लिए एक बार जोरदार ताली को। सर की वजह से आप यहाँ पर काफी क्लीननेस आपको मिली है यहाँ पर, और सुविधा मिली है सर की वजह से मिली है, तो थ्रू आउट हमारे सर को भी एक बार हम सबसे पहले आने के लिए वेलकम करते हैं। सर घर से आए, वो ऑलमोस्ट हिंदुस्तान बैठा हुआ है पूरा, और आपने भरोसा किया इसे टेलीकॉम पर, और आपने ये सोचा कि यार मैं इसे टेलीकॉम जाऊंगा इतनी दूर, आप चाहते तो आपके शहर में भी बहुत इंस्टीट्यूट थे कि नहीं थे, बताइए। आपका बात करने के साथ पूरा कोऑपरेशन चाहिए, वो एनर्जी लेवल आप आखिरी बार भी दिखाते जाओ कि जो पहले दिन थी और जो आपने सोची थी कि मैं लाइन में बनूंगा, कि आपके शहर में इंस्टीट्यूट थे कि नहीं थे, बताइए। उसके बाद भी आपने हमारे शहर को चुना, उसके बाद भी आपने इसे टेलीकॉम को चुना, तो उसके लिए हमारे सारे टीचर की तरफ से और इसे टेलीकॉम की तरफ से दिल से थैंक यू वेरी मच, इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। आप लोगों ने ये सोचा कि यार इसे टेलीकॉम मुझे सिखा सकता है कि नहीं सिखा सकता है, इतनी दूर जाऊंगा क्या होगा, कोविड-19 चल रहा है, सारी चीज ना सोचते हुए आपने अपने अंदर विश्वास रखा, ये सोचा कि मैं यार कुछ ना कुछ सीखूंगा, मैं जाऊंगा तो मतलब कुछ लेकर आऊंगा, तो यही विश्वास आपको आगे लेके जाना है, ध्यान रखना, ये विश्वास आपको छोड़ना नहीं है, कोई विश्वास छोड़ेगा तो नहीं ना यहाँ पर। जो मेहनत आपने इन 30 दिनों में की है, जो मेहनत आपने पूरे महीने भर की है, जो आपने अपनी लाइफ चेंज की है, आप बताइए आप पूरी जिंदगी में इतने 30 दिन में कभी मेहनत किए हैं क्या? यहाँ पे 8 से 8 का आपने लगातार काम किया क्या? आप यहाँ जाने के बाद वो काम छोड़ेंगे क्या? आपका टाइमिंग चेंज कराया, आपका खाना पीना चेंज कराया, आप उस चीज को अडेप्ट करो, आप ये सोचो कि अब मेरे को ये चीज उन्होंने लाई है तो इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आप वापस अपनी रेगुलर जिंदगी में आए तो वो चीजें आपसे छुट्टी जाएंगी। अगर आपको ऑर्डिनरी पर्सन नहीं बनना है तो दोस्त मेरे ख्याल से एक चीज में ध्यान रखना है, ऑर्डिनरी से बढ़कर बनना है तो थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और थोड़ी सोच बदलनी पड़ेगी, नॉर्मल सोच नहीं। वो तो मेरा दोस्त कहता है कि यार तू रात में जल्दी नहीं सोएगा तो तू बीमार पड़ जाएगा, मैंने बोला यार मैं ज्यादा अगर मैं देख 2 घंटे भी सो लूंगा ना तो मेरे लिए बहुत काफी है, एक हैबिट हो जाती है। आपने भी देखा कि शुरू में आप लोगों को तकलीफ गई होगी, शुरू के 1-2 दिन में तकलीफ गई होगी, उसके बाद एक हैबिट सी पड़ गई कि सुबह के 6 बजे उठकर हमको आना है, 8 बजे से पहले आप क्लास ज्वाइन कर लेते थे, रात के 8 बजे तक क्लास अटेंड करते थे, EMMC में तो आपकी क्लास 9-10 बजे तक चली है, वो सारी क्लास आपने अटेंड की है, थ्रू आउट किसी की भी ऐसी तबीयत खराब नहीं हुई है, हमें ऐसा लगा कि आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं या हेडेक हो रहा है, आपको लग रहा है क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कुछ कभी एक दिन में गया क्या? यहाँ पे सीखने को मिला कि नहीं मिला? वेरी गुड, वो क्या बोलते हैं डायलॉग, सबसे बढ़कर के साथ, और उसके बाद में फिरोजन के साथ, फिर आप मिले दुर्गेशन के साथ, एक बार दुर्गेशन के साथ में ये आपके साथ क्या आपको बताना चाहते हैं, क्या आप जाने के बाद में क्या कर सकते हैं और अपनी लाइफ को एनहांस करने के लिए? हेलो सर, हेलो एवरीवन, तो सबसे पहले तो आपने जो ये सफर आपका अब स्टार्ट हुआ है, पहले आप क्या करते थे, किस वे में काम करते थे, वो अब किसी से मतलब नहीं, पहले आप काम करते थे पर काम करते थे, अब जब वो आप काम करेंगे वो आप परफेक्ट काम करेंगे, एक लेवल में काम करेंगे। हम ये काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हर एक काम का एक रीजन होता है कि आप उसे करना क्यों चाहते हैं, अगर ये रीजन आपको पता चल गया तो आप सक्सेस हो जाएंगे, क्योंकि जो आपका ये सफर है अभी जो ये 28 दिन की सफर खत्म नहीं हुआ, आपने जो 28 तारीख को आपने ज्वाइन की क्लास, उस दिन से आपका स्पीड में सफर स्टार्ट हो गया है। आप पहले क्या कर रहे थे, कहां घूम रहे थे, उससे कोई मतलब नहीं है,
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब आप पहले दिन, दूसरे दिन या तीसरे दिन की क्लास ज्वाइन की होगी तो आपको कई सारी चीजें नहीं लगी होगी, पर जो पहले से काम कर रहे हैं उनको ये सारी चीज लगा होगा कि हाँ हम सीख सकते हैं, पर जो एज अ फ्रेशर होगा उनको ये लगा होगा ये सारी चीजें नहीं है। तो उनका ये सफर उस दिन से 28 तारीख से चालू हुआ, कुछ नया नहीं है क्योंकि वो जानते ही नहीं वो सारी चीजें, कॉम्पोनेंट क्या होता है, सीरीज क्या होता है, पैरेलल कैसे हमें टेस्टिंग करनी है, ये सारी चीज हमें नहीं पता। हमें जो भी फॉल्ट आ गया था हमने यूट्यूब पे देखा और उसी उसके अकॉर्डिंग काम कर गए तो ठीक है, नहीं तो उसको साइड में रख दिया और वो कभी नहीं बना। बट अभी आपको क्या है, कभी भी आपको लेकर के सीधा हेट करना है क्या? आपको प्रॉपर वे सबसे पहले आपको डायग्नोज करना है उसमें फॉल्ट फाइंडिंग क्या है, क्योंकि हम जब क्लास लेते हैं आपको सबसे पहले मोटिवेट करते हैं, सबसे पहले आपको समझाते हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। अगर हम आपको सेक्शन पढ़ा के निकल जाए तो आप उसको समझ तो लेंगे, कर लेंगे, पर उसको वे नहीं समझ पाएंगे। हमें सबसे पहले आपको क्लास लेने से पहले आपको समझाया गया कि आपको सबसे पहले कोई भी सेक्शन पे काम करना है तो सबसे पहले उसको आपको क्या करना होगा, डायग्नोस करना होगा, तब तो उसको फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे। जब वो डायग्नोस ही नहीं पता है तो कहां से आप फॉल्ट फाइंडिंग कर पाएंगे। तो ये सफर आपका ये 30 दिन से कंपलसरी स्टार्ट हो चुका है, अगर आप इसे छोड़ देंगे तो आप फिर से वापस अपने पुरानी लाइफ में चले जाएंगे। फोन आएगा, हिट करेंगे, चालू हो गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। बट ऐसा नहीं करना है। आपके साथ 28 तारीख से 27 तारीख से ही आपकी क्लास स्टार्ट हो गई थी, ना कि 28 तारीख से स्टार्ट हुई है। आपने काउंसलिंग में ही आपको ऐसी सारी हाईलाइट दे दी गई कि जो आपको पूरा सेक्शन पढ़ाया जाता है, दिया गया था कि नहीं दिया गया था। फिर आपने क्लास जो भी स्टेप बाय स्टेप, ऐसा नहीं कि हमने एक दिन यूनिवर्सिटी पढ़ाया हो, ऐसा नहीं कि हमने एक दिन सॉफ्टवेयर पढ़ाया हो, हमने ऐसा नहीं कि एक दिन कंपोनेंट पढ़ाया हो, हमें जो लेवल लगता है स्टेप, आपको भी स्टेप बाय स्टेप समझना है। आपका लेवल अभी छोटा है, आप अगर मेहनत करेंगे तो आपका लेवल बढ़ता चला जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? से दूर जा रहे हैं, नहीं, आप ऐसे टेलीकॉम को लेके जा रहे हैं अपने साथ में। यस सर, अगर आप अपनी नोट्स को देखेंगे आप हमेशा अपने ऐसे टेलीकॉम में पाएंगे। यस सर, मिलन सर जो आपको मिले इस बार, क्योंकि फरवरी का मंथ का मिलन सर थोड़ा कम मिले इस बार आपको, है ना, और एक दिन लॉकडाउन में भी आपको नहीं मिल पाए, है ना, तो लॉकडाउन की वजह से इस बार भी लॉकडाउन है तो एक दिन संडे का दिन हम नहीं लगा पाएंगे क्लास, सो कोई बात नहीं है। बट अब मिलन सर से मैं पूछना चाहूंगा कि जो भी आपने सिखाया है इनको, तो आप क्या इनको राय देना चाहेंगे, हिदायत देना चाहेंगे कि आगे जाके क्या करें, बताइए। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि कभी भी डरना नहीं है आपको। यस सर, कब तक डरोगे, कल डर रहे थे, आज भी डरोगे, जाके भी डरोगे क्या? नहीं सर। कब तक डरोगे, कब तक पेस्टेड आईसी देख के डरोगे? नहीं सर। डरोगे नहीं सर। डरना क्या है, कब तक डरोगे? अगर डरोगे जब तक, तब तक कोई काम नहीं कर पाएंगे। जी सर, जी सर। अगर सर मैं बोलता हूँ हाँ चलो मैं रिस्क ले लिया, काम खोल लिया, अब मैं एक बार नहीं बना पाया, दो बार नहीं बना पाया, तीन बार तो बना लूंगा ना। यस सर। लेकिन वो दो बार में जो फेलियर होगा वो कहीं भी किसी को भी मालूम नहीं होगा, जो आपको मालूम हो। यस सर। समझ में आ रही है सर? हमें डरना नहीं है कोई भी काम, कोई भी काम में डरना नहीं है। अगर सर शिद्दत से मैं काम करूंगा कोई भी मौका मैं हासिल कर सकता हूँ। यस सर, यस सर, है ना। तो सर प्रैक्टिस हमें छोड़ना नहीं है। हैंड स्किल, आप दिमाग में कितना भी कर लो, कुछ भी कर लो, कि सर हैंड स्किल चाहिए चाहिए इस काम में, सर प्रैक्टिस छोड़ना नहीं है। इंडिया कम से कम 3 से 4 घंटे हमें प्रैक्टिस करना है, कम से कम। मैं यही बोलूंगा आगे जाके आप बहुत 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 मेहनत करें और अपने एरिया में अपना किंग बने, अपने एरिया में सबसे टॉप बने, अपने आगे कोई ना हो सके। अगर सर मैं मेहनत करूंगा ना, काम के पीछे भागूंगा तो दुनिया अपने कदमों में, बाकी सब पीछे, मैं आगे, अपने काम को देखना है बस और किसी को नहीं। तो यही बात बोलना चाहूंगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं हासिल होता है, गोली बिस्किट कुछ नहीं है कि खिला देंगे आप काम सीख जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा मिलन सर, ये बताइए कि आप सुबह जब मेरे घर आए थे तो आपने बोला था बैटरी के लिए, तो मैंने आपको एक केस दिया था, क्या था उसमें बताइए, मतलब वो जो जिसमें आईफोन की पीसीबी थी, क्या था उसमें, क्या देखा था आपने, वो क्यों बुलाया था हमने, बताइए जरा। वो जो आईफोन की पीसीबी हमने लाए थे, किसने बोला गया सर? तो
ऐसे काम तो करते हैं, मतलब थोड़ा जो कुरियर आता है उसमें काम करते हैं, तो इतने सारे स्टेप क्या है, ये सब प्रैक्टिस के लिए। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? सबसे वर्कर कौन? थैंक यू वेरी मच। सबसे आगे कौन? थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।